अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास फाइव, बुक का नाम है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्लास फाइव। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर फाइव। यूनिट नंबर फाइव पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फाइव है एमएस पावर पॉइंट 2010। एमएस पावर पॉइंट 2010। इसको हम आज लर्न करते हैं, पढ़ते हैं इसको। एम एस पावर पॉइंट 2010 आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन लेक्चर। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एम पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट। It can be used to create interactive presentations for classroom, business or personal use by using slides. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। क्लासरूम के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है हमने, बिजनेस है उसके लिए, कोई पर्सनल प्रेजेंटेशन हमने बनानी है, तो हम यहाँ पर इसकी प्रेजेंटेशन डाटा वगैरह कलेक्ट करके प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। A PowerPoint representation is a collection of multimedia slides that can be used to display text, images, shapes, sounds and video. यहाँ पे PowerPoint presentation में हम क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं? वहाँ पे हम data लिख सकते हैं, display कर सकते हैं text को, images वहाँ पे हम ready कर सकते हैं, लगा सकते हैं, shapes को हम वहाँ पे use कर सकते हैं, sounds and video भी वहाँ पे presentation में use की जा सकती है। A user can make the presentation more attractive by adding animated effects and transitions between slides such as fading slides in and out. तो वहाँ पर एनिमेटेड इफेक्ट पैदा करते हैं, वहाँ पर उस एनिमेटेड इफेक्ट यूज़ करके हम स्लाइड्स को, हम प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग एम एस पावर पॉइंट 2010। टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर वन, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपको अगर नज़र आ रहा हो यहाँ पे, तो टेक्स्ट बार में कंप्यूटर के सबसे बॉटम में ये हमारे पास क्या है? स्लाइड बटन। इसको हम स्लाइड बटन कहते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन कहते हैं इसको, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, क्लिक ऑल प्रोग्राम। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, इसके ऊपर आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। जब आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लिया, देन सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, तो फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के ऊपर आप क्लिक करेंगे। द पावर पॉइंट, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, द पावर पॉइंट विल ओपन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सामने आपके जो पावर पॉइंट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट है, इसमें यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे टूल्स हैं, इन टूल्स को हम डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास प्रेजेंटेशन की शीट है सामने, यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे, कुछ हमने इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह यहाँ पे रखनी है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार जस्ट ऑन टॉप ऑफ द फाइल टैब इज द क्विक असेस टूल बार। इट प्रोवाइड्स असेस टू द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड। इसमें कमांड्स होंगे क्विक असेस टूल बार में, जो हम पावर पॉइंट में यूज़ करेंगे। टाइटल बार, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन का नेम हमें बताएगा, जैसे कि यहाँ पर ये सबसे टॉप पर ये क्या है? टाइटल बार है। नेक्स्ट है रिबन। रिबन यहाँ पे, ये हमारे पास रिबन है, इसको हम रिबन कहते हैं इस पोर्शन को। रिबन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स रिलेटेड टू मैनेजिंग प्रेजेंटेशन एंड वर्किंग विद प्रेजेंटेशन कंटेंट्स। ये हमारे पास कमांड्स को रिलेट करने के लिए और प्रेजेंटेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टैब्स। कौन कौन सी टैब्स हैं? होम टैब है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड फॉर्म ए स्लाइड। इसमें होम टैब आ जाएगी, जिसमें हम इसको यूज़ किया, इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड फॉर्म ए स्लाइड्स। इंसर्ट, इट इज़ यूज टू इंसर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड्स। इंसर्ट है, इसमें स्लाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स के ऊपर हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स
करेंगे, इंसर्ट करेंगे वहाँ पे। डिज़ाइन इट इज़ यूज टू एड अ थीम और फॉर्मेट द स्लाइड साइज। डिज़ाइन है यहाँ पे, डिज़ाइन को फॉर्मेट यूज़ करने के लिए, थीम यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ट्रांजिशंस, दिस टाइप इज़ यूज टू चेंज द ट्रांजिशन इफेक्ट डेट आर अप्लाइड व्हेन अ यूजर स्विच फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। ट्रांजिशन इफेक्ट जो है उनको चेंज करने के लिए ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं। जब हम स्लाइड्स को चलाते हैं, वन स्लाइड देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड फिर नेक्स्ट स्लाइड, तो हम ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनिमेशंस। एनिमेशन इट इज़ यूज टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट द स्लाइड्स। एनिमेशन इफेक्ट ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, स्लाइड्स में एनिमेशन इफेक्ट यूज़ कर जाते हैं। स्लाइड शो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू हमें दिखाएगा स्लाइड शो, यानी कि सारी स्लाइड हमारे पास ये स्लाइड शो होंगी। रिव्यू, दिस टाइप इज़ यूज टू प्रूफ एंड ऐड कमेंट्स टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कमेंट्स यूज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। व्यू, इट इज़ यूज टू चेंज द व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का व्यू चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओवरऑल पेन, द ओवरऑल पेन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोग्राम विंडो। इट हैज़ टू टैब्स, स्लाइड टैब एंड आउटलाइन टैब, जिसमें दो टैब्स होंगी, एक को स्लाइड टैब कहते हैं और एक को आउटलाइन टैब कहते हैं। द नेक्स्ट है स्लाइड्स। स्लाइड्स टैब, इट कंटेन अ थंबनेल इमेज ऑफ एवरी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अ यूजर कैन आल्सो रीअरेंज ऐड और डिलीट स्लाइड्स हियर। यहाँ पे आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, उनको रीअरेंज करते हैं कि आपने कौन सी स्लाइड पहले रखनी है, किस स्लाइड को आपने पहले पढ़ना है, किस स्लाइड को सेकेंड और किस स्लाइड को आपने लास्ट यूज़ करना है। इसी तरह जो सी स्लाइड आपको नहीं चाहिए वो आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आउटलाइन टैब, दिस टैब एम्फसाइज ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। इट इज़ आल्सो यूज टू modify the text structure. Notes pane, it appears right below the current slide and works as a place for entering notes related to the current slide. ये notes pad है, हम notes यहाँ पे। Status bar, it display information about the current presentation. It include number of slides, theme name, etc. Status में number of slides के हमारे पास कितनी slides हैं, जो हमने presentation तैयार की है उसमें slides overall कितने हैं। View buttons, these buttons are used to show the presentation in a variety of views. Different variety में presentation को show करने के लिए view buttons use करते हैं। Zoom slider, it is used to zoom in or out of the current slide. जो slide हम read कर रहे हैं, जो slide हम present कर रहे हैं, उसको zoom करने के लिए या zoom in या zoom out करने के लिए उसको zoom out slider use किया जाता है। Backstage view, the backstage view contains all the commands related to the program. It provides an easy way to create, open, save, print and close PowerPoint presentations. It can be accessed by clicking on the file button. File button पे आप क्लिक करेंगे, then आप इसको print save कर सकते हैं, slides को open कर सकते हैं, print निकाल सकते हैं इनका। Next, creating a blank presentation. When a user starts PowerPoint without opening a specific presentation, a new blank presentation containing one slide is displayed. जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, इसको यूज स्टार्ट करने ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा। टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन फॉलो दी स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल टैब, आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक न्यू, आ मेन्यू विल अपीयर। न्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल को आपने क्लिक किया, देन आप न्यू को क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स, सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन और क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें, यहाँ आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन विल ओपन इन अ न्यू विंडो, तो वो ओपन होने। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर्स। इन अ स्लाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ डैश बॉर्डर्स आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। This is where a user can add text. Placeholders can be customized
to different sizes and can also contain pictures, charts and other non-text items. Placeholders में हमारे पास यहाँ पे dashboards, जिनको हम placeholders कहते हैं, जहाँ पे हम text लिखते हैं, text add करते हैं. Next है slide layout. The arrangement of placeholders on a slide is called a layout. There are several layouts available in a PowerPoint and each provides different placeholders. A new blank presentation includes one slide which is based on the title slide layout. The title slide contains two placeholders, one for the title of the presentation and the other for the subtitle. जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर title के लिए है स्लाइड लेआउट, ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्लू शेप में ये स्लाइड लेआउट है, प्लेस होल्डर ये अंदर जो बॉक्स है दो रेक्टेंगुलर शेप में, इनको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं. जो ऊपर टॉप पे है ये टाइटल लिखने के लिए और नीचे सब टाइटल लिखने के लिए प्लेस होल्डर. नेक्स्ट है एडिंग अ न्यू स्लाइड. टू ऐड अ न्यू स्लाइड गो टू द होम टैब. अगर आपने कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो आप होम टैब में जाएं सबसे पहले एंड देन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड. फिर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे होम टैब में आए, होम टैब में आपने क्लिक किया, फिर आप वहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे. इज लोकेट इन द स्लाइड्स, जो कि स्लाइड्स में पड़ी हुई हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे. अनदर वे ऑफ एडिंग अ न्यू स्लाइड इज बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन. नंबर वन है राइट क्लिक ऑन अ स्लाइड इन द स्लाइड्स टैब. राइट क्लिक करें स्लाइड्स में ऑन अ स्लाइड टैब. अ मेन्यू विल अपीयर, मेन्यू अपीयर होगा. क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड्स, न्यू स्लाइड पे क्लिक करें बटन. अ न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड. जब आप न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो सामने आपके न्यू स्लाइड आ जाएगी. नेक्स्ट है चेंजिंग स्लाइड लेआउट. नॉर्मली ईच न्यू स्लाइड दैट इज एडिड हैज द सेम लेआउट एज द प्रीवियस स्लाइड. However, if a user want to add a slide, if a user want to add a slide with a different layout, it can be done from the new slide gallery. Follow the steps to add a slide with a different layout. Number one, on the home tab in the slides group, click the arrow on the new slide button. Click the arrow on the new slide button. A gallery will appear. तो सामने आपके gallery appear हो जाएगी. Select the desired layout from the gallery. A new slide with the selected layout will be added to the presentation. जो layout आपने choose करना है वो आप gallery में से choose कर सकते हैं. के यहाँ पे होम टैब है या आपके सामने यहाँ पे होम टैब पे आपने क्लिक किया, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टाइटल आ जाएंगे. जो टाइटल आपने चूज़ करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सामने आपकी स्क्रीन पे वही टाइटल सामने आ जाएगा. डिलीटिंग अ स्लाइड, आपने किस तरह से स्लाइड को डिलीट करना है, यानी कि अगर आपके पास स्लाइड्स हैं उसमें आपको एक स्लाइड नहीं चाहिए तो आप किस तरह से उसको डिलीट करेंगे. टू डिलीट अ स्लाइड गो टू द स्लाइड्स टैब. आप स्लाइड्स टैब में आ जाएँ, वहाँ पर सेलेक्ट द स्लाइड डैट यू वॉन्ट टू डिलीट एंड प्रेस द डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड. आपने जिस स्लाइड को डिलीट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लें, फिर आप डिलीट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी. अनदर मेथड यूज़ करते हैं. नंबर वन, राइट क्लिक ऑन अ स्लाइड इन द स्लाइड टैब. आप राइट क्लिक करें स्लाइड पर, स्लाइड टैब में अ मेन्यू विल अपीयर, तो आपके सामने मेन्यू अपीयर होगा. क्लिक ऑन द डिलीट स्लाइड बटन, डिलीट स्लाइड बटन पर क्लिक करें, द सेलेक्टेड स्लाइड विल बी डिलीट. और जो स्लाइड आपने सेलेक्ट की होगी वो स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी. एडिंग टेक्स्ट विद द प्रेजेंटेशन. व्हेन अ यूजर क्लिक्स इनसाइड अ प्लेसहोल्डर, पावरपॉइंट चेंजेस टू एडिट मोड. द कर्सर और इंसर्शन अ पॉइंट अपीयर्स इन द प्लेसहोल्डर. द प्लेसहोल्डर विल बी रेडी टू ऐड अ टेक्स्ट. इसको हम प्लेसहोल्डर कहते हैं जिसमें हम टेक्स्ट ऐड करते हैं. व्हेन द कर्सर रीचेस द एंड ऑफ द लाइन, द टेक्स्ट विल बी मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली. प्रेसिंग द एंटर की स्टार्ट्स अ न्यू लाइन. तो जब आपने प्लेसहोल्डर में डाटा लिखना है तो जो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो अगर आपने नेक्स्ट लाइन में जाना तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट व्हाइल एडिटिंग अ प्रेजेंटेशन. अ यूजर कैन कॉपी और मूव टेक्स्ट विद इन द प्रेजेंटेशन. टू कॉपी टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर वन, फर्स्ट
select the text that you want to copy. जो टेक्स्ट आपने कॉपी करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें. नंबर टू, इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब क्लिक द कॉपी बटन. होम टैब में क्लिपबोर्ड, इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें आपने कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करना है. नाउ प्लेस द पॉइंटर वेयर यू वांट टू पेस्ट. और जिस जगह पे आपने वो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि अगर आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तस्वीर भी बनी हुई है, यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो पहले टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, अब आपने टेक्स्ट नीचे वाले में यहाँ पे लिखना है, नीचे वाली साइड पे. तो आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा, कॉपी के ऊपर आप बटन प्रेस करेंगे, फिर आप देन न्यू जगह पे आप पॉइंटर लगा कर वहाँ पे क्लिक करेंगे, पेस्ट की ऑप्शन आएगी, पेस्ट पे आप क्लिक करें तो वहाँ पे टेक्स्ट नई जगह पे टेक्स्ट आ जाएगा. फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन. PowerPoint includes a number of features that can be used to format the presentation. Formatting improves the appearance of the presentation and makes it visually attractive to the viewers. Character formatting. Character formatting improves the appearance of text. It includes font, font size, font color, font styles, etc. करेक्टर फॉर्मेटिंग में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, फॉन्ट हमने कौन सा चूज़ करना है, फॉन्ट का साइज़ कौन सा होगा, यानी कि जो हम यहाँ पे इंग्लिश जो यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट की इंग्लिश, वो हमारे पास किस तरह के, उसका स्टाइल कौन सा होगा, उसका साइज़ स्मॉल होगा या ग्रेटर होगा, उसका कलर कौन सा होगा, टेक्स्ट का ब्लैक कलर में है या किसी और कलर में हमने टेक्स्ट लिखना है, तो ये सब किस में आएगा, करेक्टर फॉर्मेटिंग. इसको हम वन बाई वन पढ़ते हैं. नंबर वन है, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट. जिस टेक्स्ट को आपने फॉर्मेट करना है इसको आप सेलेक्ट कर लें तो वो ब्लू शेप में आ जाएगा, ब्लू एरिया में आ जाएगा. ऑन द होम टैब, देन आपने होम टैब पे जाना है. इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज. फॉन्ट ग्रुप में आप फॉन्ट साइज देखें, क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज एरो, फॉन्ट साइज एरो पे आप क्लिक करें एंड सेलेक्ट एनी साइज. जो साइज आपने यूज़ करना है फॉन्ट का उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लिक ऑन द बोल्ड, बोल्ड पे आप क्लिक करें, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शंस टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो राइटिंग है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट वर्ड से ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, थोड़ा सा मूव हो गया है वर्ड, तो इस तरह की राइटिंग आ जाएगी. अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो वर्ड के नीचे लाइन आ जाएगी, जो वर्ड जो सेंटेंस आप लिखेंगे उसके नीचे लाइन आ जाएगी, वो अंडरलाइन हो जाएगा. नेक्स्ट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. By applying paragraph formatting, a user can change the appearance of an entire paragraph. A user can adjust paragraph alignment, line spacing, bulleted and numbered list, etc. Paragraph formatting में, by applying for paragraph formatting, a user can change the appearance. आप पैराग्राफ भी वहाँ पे अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग उसकी चेंज कर सकते हैं, अगर दो लाइन में स्पेस कम या ज़्यादा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. आप बुलेट्स चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ की, अगर आपने नंबर्स वहाँ पे ऐड किए हुए हैं, नंबर वन, नंबर टू, जैसा कि यहाँ पे ये बुलेट्स का नाम है, ये बुलेट्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे, वन टू, इसके जगह आप सर्कल यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर बॉक्स यूज़ करते हैं सकते हैं, स्मॉल अलाइनिंग पैराग्राफ. पैराग्राफ किस तरह से आप एक लाइन में शो करेंगे. सेलेक्ट अ पैराग्राफ इन द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें जिसको आपने अलाइन करना है. ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक ऑन द डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन सच एज अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई. यहाँ पे शो किया गया अलाइन लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वर्ड लिखे हुए हैं, ये लेफ्ट अलाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये वर्ड है, कोई इस तरह से नहीं कि कोई वर्ड आगे से शुरू है या कोई वर्ड पीछे है. सेंटर, ये सेंटर से अलाइन है, दोनों साइड पे स्पेस इक्वली रहेगी. अलाइन राइट, तो ये अलाइन राइट है, यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है. यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे ये वर्ड
यहाँ से शुरू है, ये वर्ड थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है, फिर थर्ड लाइन जो है वो पीछे से शुरू है, वर्ड पीछे आ गया, जबकि फिफ्थ और सिक्स्थ जो लाइन है वो बहुत आगे चली गई, लेकिन राइट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट है। जस्टिफाई जस्टिफाई में आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों ही अलाइन हो जाएंगे, वहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट है अप्लाइंग अ डिज़ाइन थीम। अगर आपने कोई डिज़ाइन अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। अ थीम इज द पैकेज कंप्राइजिंग ऑफ अ बैकग्राउंड डिज़ाइन, कलर स्कीम, फॉन्ट टाइप्स, फॉन्ट साइज एंड प्लेस होल्डर ऑप्शंस। इट मेक्स द प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट। टू अप्लाई अ थीम गो टू द डिज़ाइन टैब, देन टू द थीम्स ग्रुप एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम। आप डिज़ाइन टैब में जाएं, वहाँ पे आपने जो सा थीम सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ थीम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने जो सा यहाँ से सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो सामने थीम आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे इस थीम को सेलेक्ट किया गया है, माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्लास 5, तो आपने अगर किसी और थीम को सेलेक्ट करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो थीम सेलेक्ट हो जाएगा। Changing the color and fonts of a design theme. A user can change the colors and fonts of the selected theme. User यानी कि जो इस्तेमाल कर रहा है, जिसने प्रेजेंटेशन रेडी की है, वो कलर्स और फॉन्ट्स भी चेंज कर सकता है थीम के ऊपर जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, जो ऊपर वर्डिंग लिखी है उसको भी चेंज किया जा सकता है। Follow the steps to change the colors and fonts. On the design tab in the themes group, click on the colors button. आप design tab में जब जाएंगे वहाँ पर theme के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर colors का button आएगा, colors की option आएगी और drop down list will appear. तो आपके सामने एक list open होगी इस तरह से, ये आपके सामने list open हुई। Place the mouse over the color schemes showing the drop down list. colors के ऊपर आप देखें, the current choice will be reflected on the slide. आप इसके ऊपर place करेंगे माउस को, इसके ऊपर आप मूव करेंगे तो जो सा कलर आपको चाहिए होगा वो आप उसके ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड वन टू अप्लाई, जो आपको बेहतर लगे, जो आपने अप्लाई करना है कलर उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसको सेलेक्ट कर लें। ऑन द डिज़ाइन टैब इन द थीम्स ग्रुप क्लिक ऑन द फॉन्ट बटन, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर। प्लेस द माउस ओवर द फॉन्ट फैमिली In the drop-down list, the current choice will be reflected on the slide. Select the desired one to apply. जो आपने अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें, जो फैमिली आपने अप्लाई करनी है इसको आप क्लिक करें, वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे नंबर 4 पे सेलेक्ट एनी फॉन्ट लिखा है यहाँ। इंसर्टिंग अ पिक्चर। अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, आपने कोई पिक्चर लगानी है तो आप किस तरह से लगाएंगे। पिक्चर्स मेक द प्रेजेंटेशन विजुअली अट्रैक्टिव। पिक्चर की वजह से जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, बहुत ही पसंद की जाती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है। यानी कि प्रेजेंटेशन जो यूज़र जो है पिक्चर्स यूज़ करेगा या वीडियो यूज़ करता है तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होती है। नंबर 1, गो टू द स्लाइड ऑन विच यू वॉन्ट टू प्लेस द पिक्चर। जिस स्लाइड पे आपने पिक्चर लगानी है उस स्लाइड पे आप चले जाएं। ऑन द इंसर्ट टैब, फिर आप इंसर्ट टैब में जाएं। इन द इमेजेस ग्रुप, इमेजेस ग्रुप में इंसर्ट टैब के अंदर आपने इमेजेस ग्रुप के अंदर आना है। क्लिक ऑन द पिक्चर, पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करें। लोकेट द पिक्चर यू वॉन्ट टू इंसर्ट एंड क्लिक इंसर्ट। जो सी पिक्चर आपने लगानी उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसको इंसर्ट करें। द सेलेक्टेड पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन द स्लाइड। तो वो स्लाइड के ऊपर, जिस स्लाइड पे, जिस साइड पे आपने पिक्चर लगानी है वहाँ पे वो पिक्चर लग जाएगी, अटैच हो जाएगी। इंसर्टिंग अ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इंक्लूड्स पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज। फॉलो दी स्टेप्स टू इंसर्ट क्लिपबोर्ड। गो टू द स्लाइड ऑन विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट द क्लिपबोर्ड। जिस स्लाइड पे आपने क्लिप पार्ट इंसर्ट करना है उसके ऊपर आप स्लाइड पे चले जाएं, स्लाइड को सामने ले आएं। ऑन द इंसर्ट टैब द इमेजेस ग्रुप क्लिक ऑन क्लिप पार्ट। इंसर्ट टैब में इमेजेस ग्रुप में आपने क्लिप पैड के ऊपर
क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अ क्लिप आर्ट टेक मैन विल अपीयर एट द राइट साइड, राइट साइड पे फिर आपके ये अपीयर होगा। इन द सर्च ऑफ और इन द सर्च फॉर बॉक्स टाइप अ वर्ड और फेस टू लुक फॉर द डिजायर्ड क्लिप। जिस जो सा क्लिप आपको चाहिए आप उसके ऊपर सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल टाइप कार, अगर आप कार टाइप करेंगे तो ये आपके सामने कार आ जाएगी, इस तरह से कार आ जाएगी। क्लिक ऑन द गो बटन, गो बटन पे आप क्लिक करें। गो बटन के जब आप क्लिक करेंगे इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट डबल क्लिक ऑन द क्लिप और टू इंसर्ट इट इनटू द डॉक्यूमेंट। जब आपने सर्च किया कार को तो सामने एक कार आ गई, तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया। देन आपके ऊपर यहाँ पे अपनी स्लाइड में डबल क्लिक करेंगे तो ये जो कार है, जो क्लिप आर्ट है, ये आपका प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। इसके ऊपर आपने अगर कुछ और टाइप करना है तो आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, आपके सामने यहाँ पे पिक्स आएंगी। जो सी पिक आपने यूज़ करनी है, जो सा क्लिप आर्ट आपने यूज़ करना है, उसके ऊपर क्लिक करें। फिर आप अपनी स्लाइड पर 2 times क्लिक करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। इंसर्टिंग शेप, अगर आपने कोई शेप यूज़ करनी है प्रेजेंटेशन में तो वो किस तरह से हम यूज़ करें। शेप्स कैन बी यूज्ड टू एनहांस द प्रेजेंटेशन। देयर आर अ वैरायटी ऑफ शेप्स दैट कैन बी इंसर्टेड टू ऐड शेप। फॉलो दीज स्टेप्स। On the insert, number one है on the insert tab in the illustration group, click on shapes, shapes के ऊपर क्लिक करें और drop down list will appear। तो इस तरह से shapes के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये list appear होगी जिसके ऊपर different shapes बने हैं, जिसके ऊपर different shapes हैं, ये list आपके सामने आएगी। Select the shape that you want to insert। आप एक जोन से यहाँ से शेप आपने लगानी है वो आप शेप सेलेक्ट कर लें, उसके ऊपर क्लिक कर लें। देन क्लिक वेयर यू वांट टू प्लेस द शेप, और जहाँ पे फिर आपने जिस स्लाइड के ऊपर वो शेप लगानी है उस स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे शेप अटैच करनी है, फर्स्ट आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। आप मैंने जैसे कि मैं कहता हूँ मैंने सर्कल अटैच करना है तो मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो जो सर्कल है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको आप स्मॉल और ग्रेटर भी कर सकते हैं उसका साइज़। ये था इंसर्टिंग शेप, किस तरह से आप शेप्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट कैन बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन एन आर्टिस्टिक स्टाइल इन ऑर्डर टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए हम वर्ड आर्ट चूज करते हैं। टू इंसर्ट वर्ड आर्ट फॉलो दीज स्टेप्स। यहाँ पे ये वर्ड आर्ट है, इनको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जब आप क्लिक करेंगे इन द टेक्स्ट ग्रुप, फिर आपने आगे कहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में क्लिक ऑन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करें और ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, तो आपके सामने ये लिस्ट अपीयर होगी। जौन सा आपने वर्ड यूज़ करना है, जौन से कलर का स्टाइल का वर्ड यूज़ करना है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। देन आपने फिर अपनी स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है तो जो वर्ड है आपकी स्लाइड के ऊपर आ जाएगा, वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे वो टाइप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एडिंग एनिमेशन। एडिंग एनिमेशन, अगर आपने एनिमेशंस यूज करनी है जैसे कि कार्टून लाइक आपने एनिमेशन अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। एनिमेशन ऑन अ स्लाइड कैन बी यूज टू गेन द अटेंशन ऑफ ऑडियंस इन पावर पॉइंट। आई यूजर कैन एनिमेट टेक्स्ट and objects such as clip art, shapes and pictures. Clip art, shapes use कर सकते हैं, pictures में वो हो सकती है animation। To apply animation follow these steps। अगर आपने animation apply करनी है तो आप ये steps follow करें। First select the text or object। Text को यहाँ आप object को select कर लें। On the animation tab, animation tab में In the animation group, select the desired animation effect. For more option, click the more button to view available animations. आप फाइल में क्लिक करें, फिर आपने यहाँ पे हमारे पास टैब है, आपने एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। Next, select an animation effect. A user can also modify the sequence and timing of the animation, such as duration, start time, and appearance time. एनिमेशन का हम टाइम भी यहाँ पे रख सकते हैं कि किस टाइम हमने ये एनिमेशन स्टार्ट करनी है, इस एनिमेशन का दौरान या टाइम कितना होगा, कितने मिनट की ये एनिमेशन होगी। दिस कैन बी डन इन द टाइमिंग ग्रुप, या टाइमिंग ग्रुप में आएगा ऑफ द एनिमेशन टैब।
एनिमेशन टाइम में जो टाइमिंग ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट है, उन क्लिक ड्यूरेशन कितनी है, नेक्स्ट है डिले, तो ये हमारा इसमें आएगा टाइमिंग ग्रुप एनिमेशन टाइम में। व्हेन ऑल एनिमेशन आर अप्लाइड अ यूजर कैन प्रीव्यू द करंट स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू कमांड। Adding slide transitions. Slide transition provide an animated effect to each slide when moving from one slide to the next during a slide show. There are a variety of transitions that can be applied to each or all slides, including sounds and timings. To add transition to slide, follow these steps. Number one. फर्स्ट सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू ऐड ट्रांजिशन टू। जिस स्लाइड पे आपने वो ट्रांजिशन ऐड करनी है उस स्लाइड को सेलेक्ट कर लें। इन द ट्रांजिशन टैब इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप सेलेक्ट अ ट्रांजिशन इफेक्ट। स्लाइड ग्रुप में आप ट्रांजिशन इफेक्ट जो आपने इफेक्ट क्रिएट करना है, कट इफेक्ट है, यहाँ पे पुश इफेक्ट है, वाइप इफेक्ट है, स्प्लिट है, यहाँ पे रैंडम बार्स इफेक्ट है, जो इफेक्ट आपने चूज करना है आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर लें। फॉर मोर ऑप्शंस क्लिक द मोर बटन टू व्यू अवेलेबल ट्रांजिशन। अगर आप इसके अलावा कोई ट्रांजिशन इफेक्ट देखते हैं तो आप मोर बटन पे क्लिक करें, तो देन यहाँ पे ये मोर बटन पे क्लिक करेंगे देन आपको और ज़्यादा अवेल ट्रांजिशन जो इफेक्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड PowerPoint is a part of Dad suite. PowerPoint is a part of MS Office. यहाँ पे लिखेंगे MS Office 2010. Next second ही है. Dad display the name of the presentation and the program. कहाँ पे presentation का name display किया जाता है? Title bar में. यहाँ पे student क्या लिखेंगे हम? Title bar. See, overview pane has dash tabs. कितने tabs हैं इसमें? इसमें 2 tabs हैं। अभी हमने पढ़ा इसमें कितने tabs हैं? 2 tabs. The arrangement of placeholders on a slide is called a dash. It's called a dash. Arrangement of placeholder. Placeholder के जो arrangement है वो क्या कहलाती है? Layout. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम layout कहते हैं। ये है a new blank presentation contains dash slide. स्लाइड्स हैं 1 स्लाइड। ईच न्यू स्लाइड दैट इज एडिड हैज द सेम लेआउट एज द डैश स्लाइड। जैसे कि एज द डैश स्लाइड प्रीवियस स्लाइड, हर स्लाइड में सेम लेआउट होगा प्रीवियस स्लाइड। डैश इंक्लूड्स पिक्चर्स ऑडियंस एंड वीडियोस। पिक्चर्स ऑडियोस एंड वीडियोस कहां पे इंक्लूड होंगी? क्लिप आर्ट में। कहां से हम इसको यूज कर सकते हैं? क्लिप आर्ट। नेक्स्ट एच है डैश इज द डिफॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट 2010। यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल व्यू। क्या है स्टूडेंट? नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट है आई डैश इम्प्रूव द अपेयरेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन। डैश इम्प्रूव द अपेयरेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन। फॉर्मेटिंग, क्या है यहाँ पे? फॉर्मेटिंग इम्प्रूव। फॉर्मेटिंग इम्प्रूव द अपेयरेंस ऑफ द प्रेजेंटेशन। लास्ट है ईच प्रेजेंटेशन इज डैश अंटिल इट इज सेव्ड। ईच प्रेजेंटेशन इज टेम्परेरी। जब तक आप प्रेजेंटेशन को सेव नहीं कर लेते वो क्या है? टेम्परेरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर स्टेटमेंट एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस। ए है द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टी मीडिया स्लाइड्स। मल्टीमीडिया स्लाइड्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखेंगे स्लाइड्स। डैश टैब इज यूज टू रीअरेंज ऐड एंड डिलीट स्लाइड्स। हम कौन सी टैब यूज करते हैं? आउटलाइन स्लाइड्स नॉर्मल एडिट। तो हम यहाँ पे स्लाइड्स टैब जो है वो यूज करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
सी है, डैश टैब इज़ यूज टू मॉडिफाई द टेक्स्ट स्ट्रक्चर। टेक्स्ट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी टैब यूज़ की जाती है? आउटलाइन टैब, यहाँ पे लिखेंगे आउटलाइन टैब। डैश वर्क्स एज अ प्लेस फॉर एंटरिंग नोट्स रिलेटेड टू द करंट स्लाइड। नोट्स पैन, यहाँ पे लिखेंगे एन ओ टी एस नोट्स। द टाइटल स्लाइड कंटेन्स डैश प्लेस होल्डर्स, कितने प्लेट होल्डर हमने पढ़े? टू प्लेस होल्डर्स, टू प्लेस होल्डर्स। नेक्स्ट है डैश, डैश व्यू इंक्लूडिंग द आउटलाइन टैब स्लाइड टैब्स एंड नोट्स पैन। नॉर्मल व्यू कहाँ पे आएगा? ये नॉर्मल व्यू, जी है। डैश व्यू इज यूज टू रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स और एड ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। स्लाइड नॉर्मल, नोट्स पैन, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग। तो ये ऑप्शन है थर्ड, राइट आंसर है स्लाइड सॉर्टर। ऑप्शन है इसमें डैश व्यू इज यूज्ड व्हेन अ प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। नॉर्मल, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग। रीडिंग व्यू के देखें यहाँ पे रीडिंग व्यू, यहाँ पे आएगा रीडिंग व्यू इज यूज्ड व्हेन अ प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेड। नेक्स्ट है लास्ट वन, डैश कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एन आर्टिस्टिक स्टाइल। एनिमेशन, रिपोर्ट, वर्ड आर्ट, ट्रांजिशंस, इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वर्ड आर्ट। इसमें टेक्स्ट के लिए कौन सा यूज करेंगे? वर्ड आर्ट। तो ये हमने यहाँ पे करेक्ट था, यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व किए। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं टिक टॉक टेक्स्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द। PowerPoint can be used to create interactive presentation. तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन यूज़ करने के लिए, हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए PowerPoint यूज़ करते हैं, ये टिक। टाइटल बार प्रोवाइड एक्सेस टू द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। टाइटल बार में हम वहाँ पे नेम लिखते हैं प्रेजेंटेशन का, ये कमांड यूज़ करने के लिए नहीं, ये क्रॉस। प्लेस होल्डर्स आर द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद डैश बॉर्डर्स, बिल्कुल राइट। प्लेस होल्डर हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में। अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स फोर स्लाइड्स, बिल्कुल रॉन्ग है, जस्ट वन स्लाइड आती है न्यू ब्लैंक्स प्रेजेंटेशन में, इसको क्रॉस करेंगे। क्लिपबोर्ड कैन बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन एन आर्टिस्टिक स्टाइल, ये भी रॉन्ग है। क्लिपबोर्ड यहाँ पे वीडियोस, पिक्चर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, टेक्स्ट के लिए हम वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं, ये रॉन्ग। देर आर सेवरल लेआउट्स एंड ईच प्रोवाइड सेम प्लेस होल्डर्स, ये भी बिल्कुल रॉन्ग। रीडिंग व्यू इज यूज टू रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स और एड ट्रांजिशनल इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स, तो बिल्कुल ये क्रॉस है, ये हम यूज नहीं करते यहाँ पे। इन पावर पॉइंट अ यूजर कैन एनिमेट टेक्स्ट और एंड ऑब्जेक्ट सच एज क्लिपबोर्ड, शेप्स एंड पिक्चर्स, तो ये राइट आंसर। थीम कंप्राइज ऑफ अ बैकग्राउंड डिजाइन, कलर, स्कीम, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज एंड प्लेस होल्ड पोजिशंस, राइट। By applying paragraph formatting, a user can change the appearance of an entire paragraph. ये भी टिक। तो इस पर हमने टिक का प्रैक्टिस, टिक ये टिक का प्रैक्टिस स्टेटमेंट एंड हुआ था वन। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर ए है डिस्क्राइब एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम, इसको हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं इसका। पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट। इट कैन बी It can be used to create interactive presentations
for classrooms. Business. Or personal use by using slides. PowerPoint presentation is a collection of multimedia slides that can be used to display text, images, shapes, sounds, and videos. This student has question number A. Likha next hum likhte hain question number B. Write the steps of opening MS PowerPoint program. To open Microsoft PowerPoint, program, follow these steps. Number one, click the start button. Number two, click all programs and the Microsoft Office. Select Microsoft PowerPoint 2010. The PowerPoint window will open with a new blank presentations. Is that from question number B? Next, question number C. Explain the tab of MS PowerPoint.
एमएस पावर पॉइंट के टैब्स के बारे में लिखे, नंबर वन होम, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्लाइड्स. Number two, insert. It is used to insert various types of objects on slides. Next, set design. It is used to add a theme of format the slide size. Next hai review. This tab is used to change the proof and add comments to the presentation. Next have you. It is used to change the view of the presentation. तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो सी है वो कंप्लीट हुआ. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.